गोगो दीदी योजना का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, गोगो दीदी योजना का फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, मतलब ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आपको कहाँ जाना होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन भर सकता है, ये भी बता देते हैं। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब ना हो किसी का, की वार्षिक आय है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 लाख या 3 लाख से कम होना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में कोई नेता ना हो, जैसे कि विधायक, सांसद, इस तरह से कोई बड़ा नेता ना हो, तो ऑफलाइन भरा जाएगा। तो इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म कहाँ पर जमा होगा, ये सब कुछ आपको बता देते हैं। पहले आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा ये जान लीजिए। बीजेपी यदि चुनाव जीत जाती है तो पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिए और पैसा मिलने लगा, ऐसा नहीं है। फॉर्म भरने के बाद आपको इंतजार करना है चुनाव का। चुनाव जब हो जाएगा और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तो पैसा मिलेगा, और जब बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट पैसा मिलने लगेगा, ऐसा नहीं है। फॉर्म भरे, जो फॉर्म भरे रहेंगे उन लोगों का मतलब कि ऑथेंटिकेशन होगा, केवाईसी होगा, समझ रहे हैं, केवाईसी होगा। जिन जिन लोगों का फॉर्म भरा रहेगा उन लोगों का वहां पर केवाईसी होगा, उनसे ऑथेंटिकेशन मतलब कि डिटेल्स लिया जाएगा, फिंगर से या आधार ओटीपी से लिया जाएगा। उसके बाद उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद 2100 रुपए हर महीने मिलना स्टार्ट हो जाएगा। महीने के 11 तारीख को वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये है इसकी पूरी प्रक्रिया। अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये समझ लीजिए। आपके गांव में कैंप लगा करके या फिर घर घर जा करके, घर घर तो देखिए जाएगा नहीं, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या फिर जो भी मतलब इसका कार्यकर्ता जो भी रहेंगे आपके गांव में, आपके कस्बे में, मतलब कैंप लगेगा, उस कैंप पर फॉर्म भरा जाएगा। सब लोग को इकट्ठा होना है, वहीं पर फॉर्म भरा जाएगा सबका, ठीक है। या फिर हो सकता है घर घर जा करके आपका फॉर्म भरा जाए, इसका निःशुल्क भरा जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि मान लीजिए आपका, आपके घर कोई नहीं आया फॉर्म भरने के लिए, या फिर आप उस कैंप में नहीं जा पाए, तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए, इसका जो फॉर्म का जो लिंक है ना, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वोटिंग बूथ, जहां पर पोलिंग बूथ होता है ना, जहां पर वोट डालते हैं, वहां पर आपको इसको जमा करना है। अब आप बोलिएगा कि अरे यार वो तो स्कूल पर होता है वोटिंग, तो हम वहां स्कूल पर जाएंगे जमा करने, नहीं। तो वहां का आपके एरिया का जो कार्यकर्ता होंगे ना वोटिंग बूथ वाले, तो उनके पास आपको ये फॉर्म को जमा करना है, ठीक है। जब आपका फॉर्म जमा होगा तो उनके तरफ से आपको एक रसीद दिया जाएगा, उस रसीद को आपको रख लेना है। ये रसीद आगे काम करेगा, क्या काम करेगा, फिर जब ऑथेंटिकेशन होने लगेगा, मतलब आधार वेरीफाई होने लगेगा, तो उस समय आपको ये रसीद आपको काम करेगा। तो दोस्तों, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई हम आपको जरूर करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।